ग्रामीणों ने लगाया घटिया सीमेंट व गिट्टी के डस्ट से निर्माण, भ्रष्टाचार का रहा बोलबाला, नंदवल बाजार में बन रहा नाला भरभरा कर गिरा, शास्त्र तिवारी ब्यूरो। फखरपुर बहराइच विकासखंड अंतर्गत ग्राम सभा नंदवल बाजार में महीनों से बन रहा नाला जो कि हल्की बरसात से भरभरा कर गिर गया। बताते चलें कि ग्राम सभा नंदवल बाजार में जिला पंचायत निधि से नाले का निर्माण कार्य हो रहा है। लोगों ने बताया कि जिसकी लागत लगभग 30 लाख रुपए है, जो घटिया मटेरियल के निर्माण की वजह से लगभग 20 दिन पहले बना नाला जो सीजन की पहली व आखिरी बरसात में भरभरा कर गिर गया। ग्रामीण आशीष गौड़ ने बताया कि नाले के निर्माण में मानक के विपरीत मटेरियल से निर्माण कार्य कराया जा रहा था जो अभी निर्माणाधीन समय में ही गिर गया। ऐसे में आगे लोगों के जीवन के साथ कोई बड़ी घटना घट सकती है। समाज सेवी व रनर प्रत्याशी प्रधान पद के रहे राम कुमार जायसवाल ने बताया कि नाले के निर्माण में घोर भ्रष्टाचार किया गया है। हम लोग इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय से करेंगे। वहीं वहां कार्य कर रहे मजदूर व मिस्त्री ने बताया कि अभी नाले का निर्माण कार्य चल ही रहा था, पानी का निकास ना होने के कारण नाले में पानी भर गया जिसकी वजह से नाला भरभरा कर गिर गया। ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। भ्रष्टाचार और एक घटिया किस्म की गुणवत्तापूर्ण काम को अगर देखना हो तो हमारे नंदवल में आइए। नंदवल का ये कांड है और यहाँ पे जो ये यहाँ के जो ठेकेदार हैं और ठेकेदार और जेई और विभागीय अधिकारियों की मिली भगत में इतना घटिया काम किया जा रहा है कि अभी निर्माणाधीन बिल्डिंग ही ऐसे निर्माणाधीन नाला ही गिर गया। इसमें वो होता क्या है कि डुप्लीकेट सीमेंट का पूरा प्रयोग किया गया है। जेके जे एस करके सीमेंट आती है, कोड़ार करके सीमेंट आती है, जिनकी औसत मूल्य लगभग 300 रुपये से कम आ रहा है, जिनका उपयोग इनमें किया जा रहा है। 10-1 का मसाला बनाया जा रहा है, मोरंग की जगह पर डस्ट का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरीके से जब गुणवत्तापूर्ण काम होगा तो इसका खामियाजा यही मिलेगा। अभी एक निर्माण चल रहा है, अभी बन रहा है, इस टाइम पे ये हाल है, तो इसका क्या उम्मीद करें कि 10 साल बाद या 2 साल बाद या साल भर के बाद क्या होगा। इसमें लोगों का जान का बकायदा खतरा है और कोई विभागीय आदमी कोई ना इसकी जांच करने आया है, रातों रात इसको बना के खड़ा कर दिया जाएगा। किस विभाग से और ठेकेदार कौन है इसका? अब ठेकेदार का तो नाम अभी तक हमें नहीं पता है, लेकिन ये विभाग शायद जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से आया है, तो ये जिला पंचायत का काम है, लेकिन इतना घटिया काम देखने के लिए कहीं नहीं मिलेगा और ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उदाहरण है। इसको आप डुप्लीकेट सीमेंट मोरंग का प्रयोग नहीं, ये सब सारी चीज़ें की वजह से ये सब गिर रहा है। गुणवत्ता की कमी थी इसलिए गुणवत्ता कमी नहीं, गुणवत्ता है ही नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट सीमेंट और 10-1 का मसाला में क्या रुकेगा। अभी ये सोचो ये कंक्रीट है, कंक्रीट जब गिर रहा है तो इसका क्या यकीन करोगे कि आगे कब तक ये रुकेगा। यही सारी समस्याएं हैं। थैंक यू। अब देखते हैं क्या होता है आगे। थैंक यू।